हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो मैं लाया हूँ आपके लिए चैप्टर वन टू थ्री का रिविज़न मैथमेटिक्स का चैप्टर वन टू थ्री का रिविज़न तो पहले चैप्टर का रिविज़न स्टार्ट करते हैं नोविंग और नंबर्स <स्थिविण> आपको सबसे पहले ऑड नंबर्स एंड ईवन नंबर्स का पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा जिस जैसे देखो याद करने की टेक्निक है जैसे ऑड में कितने डिजिट हैं ओ डी डी तीन डिजिट्स हैं इसका मतलब थ्री थ्री मतलब जिसके लास्ट में वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये आता है उसे कहते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर में देखो कितने डिजिट होते हैं ई वी ई एन चार डिजिट होते हैं तो यानी जिसके लास्ट में दो चार छः आठ और जीरो आए उसे क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो टू की टेबल में आने वाले नंबर जैसे कि फोर वो ई नंबर होते हैं और टू की टेबल में जो नंबर नहीं आते जैसे कि थ्री उसे ऑड नंबर कहते हैं उसके बाद आपको नंबर का कंपैरिजन आना चाहिए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है विच वन इज़ ग्रेटर आपको इन दोनों में फाइंड करना है मैंने तीन एग्जांपल्स बनाए हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स के डिजिट्स काउंट करने हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड अगर इनके डिजिट्स बराबर है इक्वल डिजिट्स हैं तो आप उन डिजिट्स के प्लेस वैल्यू देखोगे जैसे थ्री थ्री सेम है फोर फोर सेम है सिक्स एंड फाइव जैसे ही आपको पहला नंबर जो ग्रेटर मिल जाए यानी कि यहाँ मुझे सिक्स ग्रेटर मिला तो ये वाला नंबर सबसे so, पहले आपको काउंट करने हैं जैसे वन टैंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड अगर आपके दोनों डिजिट्स इक्वल हैं तो आप राइट लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों नंबर के लेफ्ट साइड से देखो सबसे पहले वन एंड वन दोनों में आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक दोनों सेम है फिर यहाँ सिक्स आ रहा है यहाँ भी सिक्स आ रहा है ये दोनों भी सेम है फिर यहाँ फ़ाइव आ रहा है और यहाँ सिक्स आ रहा है तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ ये वाला बड़ा हुआ तो आप कर दोगे इधर इसका साइन लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड साइन कर देंगे फिर दूसरे एग्जाम्पल में देखो जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन स् टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ये भी दोनों टेन थाउजेंड प्लेस है तो आप वापस से लेफ्ट साइड से अपनी लेफ्ट साइड से देखोगे थ्री इधर लेफ्ट साइड से देखोगे थ्री इधर सिक्स इधर सिक्स इधर फाइव इधर फाइव इधर नाइन सॉरी इधर फोर इधर नाइन तो नाइन वाला बड़ा है इसका मतलब आप यहाँ इस डिजिट को बना बढ़ा दोगे राइट साइड वाला डिजिट बड़ा ये वाला बड़ा है एक और एग्जांपल है ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है जैसे में वंस टैंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन स्टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक तो आपको पता है लैक डिजिट टाउजेंड से बड़ी होती है तो ये बिना कोई डिजिट काउंट किए इस वाली डिजिट को हम बड़ा मान लेंगे क्योंकि ये लैक में हो रही है टेन थाउजेंड में है उसके बाद देखो आपको यूज द गिवन डिजिट्स एंड मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको जो डिजिट यहाँ दी है इस डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक है आपको अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है तो आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए इसमें से जैसे वन देन इसमें है टू फिर उसमें है थ्री तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है थ्री के बाद क्या है फोर फोर के बाद क्या है फोर के बाद है सेवन फिर एट फिर नाइन इससे अगर हमें नंबर फॉर्म करना हो तो ये आपका नंबर बन गया वन टेन्स हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा फिर लैख टेन लैख तो आपका नंबर बन गया स्मॉलेस्ट अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना हो तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा इसमें है नाइन इस देन है एट फिर सेवन फिर फोर फिर थ्री फिर टू और फिर वन वन टेन्स हंड्रेड फिर कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कौम लैख टेन लैख आपका डिजिट हो गया नाइन्टी एट लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन तो ग्रेटेस्ट बना एंड ट्वेल्व लैख थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी नाइन आपका स्मॉलेस्ट नंबर बना फिर अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है तो उसका बहुत अच्छी टेक्निक है जैसे असेंडिंग की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ए तो से तो ए से बी सी डी यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आइए ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप नंबर देखोगे स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ठीक है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है तो डी सी बी ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब ये डिक्रीज हो रहा है तो आप देखो डी थ्री टू वन यानी कि ये नंबर क्या हो रहे हैं बड़े से छोटे हो रहे हैं ठीक है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर तो असेंडिंग में एक मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग का एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग का डी होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर देन अगर आपको डिजिट्स को शिफ्ट करने का क्वेश्चन आता है शिफ्टिंग डिजिट्स इसका मतलब जैसे थ्री नाइन सेवन एक बॉक्स में डिजिट लिखे हुए है, हैं आपको क्वेश्चन में दिया होगा एक्सचेंज एक्सचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट तो फर्स्ट डिजिट कौन सा है इसका ये वाला है थर्ड डिजिट कौन सा है ये वाला है यहाँ थोड़ा सा उल्टे दिया वन टू थ्री चलो वंस प्लेस ही करते हैं वंस प्लेस ले लेते हैं इसको ये वंस प्लेस मान लेते हैं ये लो तो सेवन जो है वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा और थ्री जो है वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा इसका मतलब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया ओनली वन एंड थ्री की बात की थी तो नाइन ऐसे कैसे लिखा जाएगा तो नया नंबर क्या बन गया नाइन सेवन थ्री यानी आपने नंबर के डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया शिफ्ट कर दिया थ्री हंड्रेड नाइन्टी सेवन से नंबर क्या बन गया सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री फिर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट का और लार्जेस्ट डिजिट का पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर होता है वन तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर होता है नाइन देखो इसको ऐसे समझेंगे जैसे काउंटिंग करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन तो वन से लेकर नाइन तक सारे डिजिट जो हैं वन डिजिट के हैं तो सबसे बड़ा जो वन डिजिट का नंबर है वो नाइन है तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज़ नाइन और सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर था वन तो सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर हो गया वन फिर बात करते हैं स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर तो टू डिजिट का नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है टेन से स्टार्ट हो रहा है तो टेन इज़ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर तो आ जाएगा टेन देन लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर की हम बात करें तो मैं काउंटिंग आगे करते करते जब हंड्रेड की लाइन में आ जाता हूँ तो नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन जो है ये सबसे छोट सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर है तो मैं लिखूँगा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर नाइन्टी नाइन जैसे ही अगला नंबर आएगा हंड्रेड हंड्रेड में कितने डिजिट हैं वन टू थ्री थ्री डिजिट्स हैं इसमें तो तीन डिजिट का सबसे छोटा नंबर है यानी कि वन हंड्रेड तो ऐसे करते करते थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट तक आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट एंड सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट आपको पता होना चाहिए देन प्लेस वैल्यू की बात करें बहुत आसान है छोटी क्लासेज में आपने सीखा है प्लेस वैल्यू जैसे मैंने यहाँ टेन लैक तक लिखी है जैसे फोर वन सेवन फाइव नाइन एट एंड थ्री इनको मैंने प्लेस पे रखा है ये वंस प्लेस पे है टें प्लेस पे ये हंड्रेड प्लेस पे थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एंड टेन लेख इनकी प्लेसेज हैं तो जो नंबर दिखाई देता है हमें ऐसा कैसा उसे कहते हैं उसकी फेस वैल्यू फेस वैल्यू और जो नंबर फॉर्म होता है प्लेस वैल्यू के साथ फेस वैल्यू को देखते हैं जैसे ये फोर है ये वंस प्लेस पे है तो इसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया फोर जैसे ये वाला वन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है टेन से क्योंकि टें प्लेस पे है तो ये बन जाएगा टेन और ये जो सेवन है ये हंड्रेड प्लेस पे है तो सेवन मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा हंड्रेड तो ये बन जाएगा सेवन हंड्रेड तो ये जो सेवन हंड्रेड है ये इसकी प्लेस वैल्यू है ये जो टेन है इसकी प्लेस वैल्यू फोर है इसकी प्लेस वैल्यू है एक फ़ाइव को और देख लो लास्ट जैसे फाइफ है फाइव की प्लेस वैल्यू क्या है फ़ाइफ मल्टीप्लाई बाई ये कौन से प्लेस पर आता है थाउजेंड प्लेस पर आता है तो इसलिए मैंने इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर बन जाएगा फ़ाइव तो इस फाइव की प्लेस वैल्यू क्या हुई ये वाला फ़ाइव ठीक है तो ऐसे करके आप बाकी के प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं फिर आपको आनी चाहिए नंबर नंबर नेम्स नंबर नेम का मतलब है जैसे आपको दो टाइप के नंबर नेम देंगे इंडियन या इंटरनेशनल तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ अरब टेन अरब अरब टेन अरब एंड ये वाले नंबर दिए होते हैं और जो इंटरनेशनल नंबर होता है उसमें देखो वंस टैंस हंड्रेड फिर थाउजेंड यहाँ आके दोनों में थोड़ा चेंज आता है टेन थाउजेंड के बाद तो जैसे टेन थाउजेंड आ गया तो इसके बाद यहाँ तो लैक हो जाता है इंडियन में बट यहाँ वो बन जाता है हंड्रेड थाउजेंड यानी कि ये तीन कॉलम जो होंगे हमारे थाउजेंड के कॉलम होंगे उसके बाद आता है मिलियन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन फिर ये तीन कॉलम हमारे किसके होंगे मिलियन के दैन मिलियन के बाद आता है बिलियन वन बिलियन टेन बिलियन एंड हंड्रेड बिलियन तो हंड्रेड बिलियन तक टोटल तीन कॉलम इसके हो गए इसलिए इन कॉलम के जैसे इनके कॉमा लगाए जाते हैं जैसे आपको अगर नंबर नेम अच्छे से सीखने हैं तो वन से लेकर ट्वेंटी तक की स्पेलिंग फिर थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी हंड्रेड तक की स्पेलिंग देन वन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैख टेन लैख वन करोड़ ये वाली स्पेलिंग आपको आनी चाहिए जो बेसिक स्पेलिंग बच्चे गलती करते हैं ज़्यादातर वो एक तो नाइन्टी एक है सॉरी नाइनटीन नाइन्टी फोटीन एन फोटी ये चार स्पेलिंग बच्चे नॉर्मली गलत करते हैं एन आई एन ई टी डबल ईन नाइन्टीन होता है एन आई एन ई टी वाई नाइनटी होता है एफ ओ यू आर टी डबल ई एन फोर्टीन होता है एन एफ ओ आर टी वाई फोर्टी होता है ये चार स्पेलिंग बेटा बार बार याद क्या करो जिसको ये चार स्पेलिंग गलत होती हैं क्योंकि नंबर नेम में आप इन्हीं स्पेलिंग में नंबर कटवाओगे फिर बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम लिखे कैसे तो इंडियन नंबर सिस्टम के लिए आपके जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर्स को सबसे पहले तो आप कॉमा के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे जैसे तीन डिजिट के बाद पहला कॉमा लगता है फिर दो के बाद दूसरा कॉमा फिर दो के बाद तीसरा कॉमा और ऐसे हर दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगता है वो होता है इंडियन नंबर सिस्टम तो उन्हीं कॉमा के अकॉर्डिंग हम उनका ग्रुप बनाते हैं जैसे वन्स टेन्स हंड्रेड का एक ग्रुप है थाउजेंड टेन थाउजेंड का एक ग्रुप है लैक टेन लेख का एक ग्रुप है करोड़ टेन करोड़ का एक ग्रुप है जब हम इस नंबर को काउंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूरा नंबर रीड करना है तो आप इन दोनों फोर्टीन को एक साथ बोलोगे क्योंकि ये दोनों एक कॉलम में आ रहे हैं एक ग्रुप में आ रहे हैं तो ये फोर्टीन करोड़ फिर जो फोर्टी टू है इस फोर्टी टू को एक साथ बोलोगे लैक है क्योंकि फोर्टी टू लैक फिर जो नाइनटीन है इसको एक साथ बोलोगे क्योंकि वन नाइन मिला के थाउजेंड के कॉलम में आ रहे हैं और जो वन टेन्स हंड्रेड है इनको आप पहले से बहुत पहले से सीख चुके हो थ्री टू नाइन एंड सेवन हो जाएगा सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री अगर यहाँ सेवन नहीं होता तो ये बन जाता नाइन्टी थ्री और नाइन भी नहीं होता तो बन जाता थ्री ओके okay. अब बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जैसे हमने बताया था तीन तीन के बाद कॉमा लगता है तो पहले तीन के बाद यहाँ कॉमा लगेगा फिर तीन के बाद यहाँ कॉमा लगेगा और अगला जो कॉमा लगेगा तीन के बाद यहाँ लगेगा <laughs> तो मैंने जो डिजिट लिखी है वो नाइन डिजिट तक लिखी है तो देखो जैसे सेम नंबर वही है तो अगर इस नंबर को हम रीड करना चाहें तो पहले ये तीन एक साथ बोले जाएंगे फिर ये तीन एक साथ बोले जाएंगे और ये तीन एक साथ बोले जाएंगे तो ये जो वन फोर फोर है इसका ग्रुप है मिलियन का इसका ग्रुप है मिलियन का ग्रुप और ये जो टू वन नाइन है टू हंड्रेड नाइनटीन ये ग्रुप है थाउजेंड का थाउजेंड का ग्रुप है और जो वन टेंसरेड इनको सेम ही बोला जाएगा जैसे हम बोलते हैं तो मैं ऊपर नंबर रीड करके सुनाता हूँ फोर्टीन करोड़ फोर्टी टू लैख नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री और जो इंटरनेशनल नंबर में इसको कैसे गिना जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर मिलियन टू हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज़ आनी चाहिए वो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो वर्ड प्रॉब्लम चार तरह की आपके फर्स्ट चैप्टर में दी हुई हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आपको पहचान करनी कि किस में हमें ऐड करना है तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको ऐड करना होता है आपको उसमें नाम मिलेगा टोटल कहीं ना कहीं टोटल करना है सम करना है या किसी चीज़ को टुगेदर करना है या किसी चीज़ को ऑल में काउंट करना है तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया है शॉपकीपर सोल्ड सेवन कॉपीज़ कॉपीज़ ऑन मंडे टेन कॉपीज़ ऑन ट्यूज़डे एंड टू कॉपीज़ ऑन वेंसडे हाउ मच कॉपीज़ ही सोल्ड इन ऑल देखो ऑल आ गया ना इसमें इस ऑल का मतलब आपको क्या करना है एडिशन करना है मतलब प्लस करना है इन थ्री डेज इन तीनों दिन में उसने कितनी कॉपियाँ बेची तो आप लिखोगे कैसे जैसे कॉपी में लिखना चाहिए टेस्ट में लिखना चाहिए मैंने वैसे आपको लिख के दिया है लैंग्वेज कैसे बनती है देखो बेटा क्वेश्चन से ही बनती है शॉपकीपर सोल्ड कॉपीज़ ऑन मंडे इज इक्वल टू सेवन ही सोल्ड अब देखो शॉपकीपर दोबारा से नाम आ रहा है नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं तो यहाँ आप इंग्लिश मैथ्स में भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो ही सोल्ड कॉपीज़ ऑन ट्यूज़डे इज़ इक्वल टू टेन एंड अगेन ही सोल्ड कॉपीज़ ऑन वडे इज़ इक्वल टू थ्री तो तीनों दिन मिला के कितनी कॉपी होगी पहले दिन सेवन फिर टेन फिर थ्री यानी कि टोटल मिला के उसने ट्वेंटी कॉपीज सोल्ड कर दी तीन डेज में थ्री डेज़ में देन <laughs> सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं डिफ्रेंस वर्ड आएगा रिमेनिंग वर्ड आएगा ग्रेटर स्मॉलर और हाउ मच बाय हाउ मच क्या तो ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है और पूछा जाता है कि कितना है ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर तो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बना के दिया है फाइव डिजिट नंबर अभी हमने सीखा था स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको दोनों उधर टेबल में ऊपर मिलेंगे बट आपको याद होने चाहिए तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा देखो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया टेन थाउजेंड एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज इक्वल टू नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन क्योंकि क्वेश्चन में नाम आ रहा था डिफरेंस और डिफरेंस आता तो हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपके सिक्स क्लास तक बेटा जब तक आप इंटीजर्स का चैप्टर नहीं पढ़ते आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करना है हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है छोटा नंबर बाद में लिखना है और उसको ऐसे माइनस करवाना है नाइन 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 इसके नीचे लिखा जाएगा डिजिट टू डिजिट मिला के दिखाना ज़ीरो 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 वन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट करवाओगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा देन नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन आपको नाम मिलेगा क्वेश्चन में क्या तो प्रोडक्ट या आपको क्वेश्चन में एक लैंग्वेज समझनी पड़ेगी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी कि इफ़ द वैल्यू ऑफ़ वन इज़ गिवन अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी एक की प्राइस या एक की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर देन वन यानी आपको एक से ज़्यादा की प्राइस फाइंड करनी होगी तो आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत सिंपल टेक्निक है यूनिटरी मैथड का पार्ट होता है बेटा ये जैसे कि प्राइस ऑफ वन कॉपी इज़ थर्टी रुपीज़ फ़ाइन द प्राइस ऑफ एट सच कॉपीज़ अब यहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि प्रोडक्ट है कि है मतलब मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है तो आप ये वाला यूनिटरी मैथड याद रखो कि एक की प्राइस अगर दी हुई है और एक से ज़्यादा की पता करनी है तो आपको क्या करना होता है हमेशा मल्टीप्लाई जैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्राइस ऑफ वन कॉपी इज़ इक्वल टू थर्टी आपको प्राइस एक कॉपी की दिए थर्टी एंड द प्राइस ऑफ एट कॉपीज़ इज़ इक्वल टू रुपीज़ थर्टी मल्टीप्लाई बाई एट तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे टू हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर देन डिवीज़न में क्या करते हैं आपको डिवीजन में क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कहीं कुछ चीज़ डिवाइड करनी हो यानी कि बांटनी हो ठीक है या फिर आपको ये लैंग्वेज मिलेगी जो भी मल्टीप्लाई में थी उसकी अपोजिट लैंग्वेज होती है इफ़ द वैल्यू ऑफ मोर देन वन आपको एक से ज़्यादा की प्राइस दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन और आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे मैंने यहाँ ये भी लिख दिया कि, कि किसको किससे डिवाइड करना है लार्जर वैल्यू को आपको डिवाइड करना है स्मॉलर वैल्यू से इसका मतलब पहले लार्जर वैल्यू लिखी जाती है फिर डिवाइड का साइन और फिर स्मॉलर वैल्यू लिखी जाती है और इसका मतलब ये है लार्जर वैल्यू आपकी कहाँ बनती है इस डिवाइड वाले बॉक्स के अंदर और स्मॉलर वैल्यू बनती है डिवाइड तो वाले बॉक्स के बाहर तो प्राइस ऑफ फाइव पेंस क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना अच्छा क्वेश्चन देखते हैं को प्राइस ऑफ फ़ाइव पेनस इज़ रुपीज़ सिक्सटी फ़ाइव पाँच पेन मैंने शॉप से ख़रीदे उनकी प्राइस सिक्सटी फ़ाइव थी तो मुझे एक पेन की प्राइस फाइंड करनी है एक पेन की प्राइस फ़ाइंड करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ़ फ़ाइव पेन्स लैंग्वेज भी ऐसी बनानी है इज़ इक्वल टू सिक्स फाइव रुपीज़ दैन मुझे जो फाइंड करना है वन पेन की प्राइस प्राइस ऑफ वन पेन इज़ इक्वल टू क्योंकि मैंने अभी बताया डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से और जब इसको डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर नंबर पहले डिवाइड के बॉक्स के अंदर आता है और बाहर रहता है छोटा नंबर फाइव तो फाइव की ट्वेल्व में फाइव वन हज़ार फाइव माइनस करेंगे वन देन फाइव नीचे आएगा फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन जैसे ही मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो जो मेरा क्वेश्चन आता है वही मेरा आंसर होता है यानी कि थर्टीन हमारा आंसर आ गया ये था फर्स्ट चैप्टर का रिविज़न अब बात करते हैं चैप्टर टू की चैप्टर टू है आपका होल नंबर्स जिस पर आपको पता होना चाहिए उन बातों का जो मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए सक्सेसर एंड प्री का ठीक है सक्सेसर का मतलब सक्सेस से ले लो आप ठीक है सक्सेस मतलब आफ्टर यानी बाद में सक्सेस मतलब जीतना आगे जाना ठीक है एंड प्री डेसेसर में प्री जो वर्ड होता है उसका मतलब बिफोर यानी पहले होता है अब आपको एक क्वेश्चन अगर हमेशा सही करने हैं तो आप सक्सेसर हमेशा निकालना प्लस वन करके और प्री निकालना आप हमेशा माइनस वन करके जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया छोटा सा सक्सेसर ऑफ नाइन हंड्रेड से सॉरी नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लस वन अगर आप सक्सेसर निकालना चाहते हो तो आप प्लस वन करोगे तो आपका आंसर आएगा नाइन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स अगर आप प्री डेसेसर निकालना चाहते हो प्री डेसेसर वन हंड्रेड थ्री तो आप हमेशा माइनस वन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा वन हंड्रेड थ्री माइनस वन इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड टू देन आपको पता होना चाहिए हॉल नंबर्स क्या होते हैं देखो हॉल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से क्योंकि इस हॉल नंबर में ये जो ओ आ रहा है ये ओ और ज़ीरो दोनों के लिए आपको याद रखने की टेक्निक बन जाएगा हॉल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर बहुत आगे तक इन तक देन कुछ बातें काम की यहां लिखी हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है जीरो होता है एंड दो बातें और लिखी हैं सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो इसके आगे वाला नंबर क्या होता है वन इसका आंसर है वन एंड प्री डेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू प्री डेसेसर मतलब जीरो से पहले क्या नंबर होता है तो आपने अब तक ऐसा कोई नंबर ही नहीं पढ़ा तो आप आंसर लिखोगे नन कोई नंबर नहीं होता है. दैन नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये नंबर भी इनफाइन तक जाते हैं मतलब कि एंडलेस हैं यह नेचुरल नंबर का एक और सेंस होता है काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग काउंटिंग मतलब जब हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो वन से शुरू करते हैं जीरो से शुरू नहीं करते ठीक है अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर की स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर इज़ वन स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर वन होता है ये देखो स्मॉलेट नैचुरल नंबर वन है सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुर नंबर टू तो उस वन का सक्सेसर क्या हो गया टू एंड द प्री डेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एक्चुअल में small, इसका होता ही नहीं यहाँ भी आप लिखोगे नन लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाता प्री ऑफ स्मॉलेस्ट हॉल नंबर तो हॉल नंबर वन जो है उसका प्रीडेसेसर क्या हो जाता ज़ीरो हो जाता तो ये याद करके ध्यान से लिखना ठीक है फिर बात करते हैं नंबर लाइन की नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है बेटा जिसपे नंबर्स को लिखा जाता है जीरो से शुरू करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इनफाइन तक ये नंबर लिख सकते हैं आपकी जितने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन बना सकते हो देन बात करते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन पर आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल बनाया टू प्लस थ्री तो आपको ये इक्वल टू फाइव नहीं लिखना है एक बार ठीक है इक्वल टू फाइव खुद बनाते हैं देखो इसमें लिखा है टू तो आपका टू ये रहा देखो का नंबर लाइन पे पहले नंबर लाइन बनाएंगे उसके बाद उसमें टू लोकेट करेंगे कि टू एंड क्योंकि उसमें थ्री ऐड करना है तो आप एक एक ऐड करो पहले वन फिर अगेन वन फिर अगेन वन थ्री हो गए तो क्या आंसर आया आपका नंबर कहाँ पे आ गया फाइव पे इक्वल टू फाइव देन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन का मतलब है आप पहले फाइव पे रहो जैसे मैं यहाँ पहले फाइव पे हूँ माइनस फोर का मतलब चार पीछे आओ माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन मतलब कि अब यहाँ चार पीछे आने के बाद मेरा नंबर क्या आ रहा है वन तो इसका आंसर आएगा वन देन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर है जैसे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो मैं एक बार आंसर छुपा देता हूँ टू मल्टीप्लाई बाय थ्री का मतलब है कि आप पहले दो के पेयर बनाओ दो के पेयर बनाओ कितने तीन एक पेयर दो पेयर और तीन पेयर दो का मतलब आप एक साथ ये दो नंबर लोगे एक साथ फिर दो नंबर लोगे और एक साथ फिर दो नंबर लोगे तो कितने पेयर बने टोटल आपके तीन पेयर और कहाँ पे डिजिट आई आपकी सिक्स पे तो इसका आंसर आएगा सिक्स देन फोर्थ जो टाइप है डिवीजन ऑन नंबर लाइन कि आपको यहाँ लिखा है कि छे जो है उसके तीन तीन पार्ट बनाओ तो कितने पेयर बनते हैं तो मैंने छे तक देखा आप इसको देखो कि कितने कितने पार्ट बने तीन तीन बनाने हैं तो पहला पार्ट मेरा तीन का बना थ्री तक फिर थ्री से लेके तीन पार्ट बने सिक्स तक तो आपके कितने पेयर बन रहे हैं वन एंड टू तो इसका आंसर आएगा टू फिर एक छोटा सा और क्वेश्चन है नंबर्स बिटवीन हॉल नंबर्स कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन ट्वेल्ल एंड ट्वेंटी तो ट्वेल्ल एंड ट्वेंटी के बीच में कितने नंबर हैं जब बच्चे सबसे पहले दिमाग में करते हैं कि ट्वेल एंड ट्वेंटी के बीच में कितने नंबर तो उनको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एट बट बेटा मैंने अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल और दिया देखो ट्वेल्ल एंड ट्वेंटी को लिखो उनके बीच के सारे नंबर लिखो थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन इनके बीच के सारे नंबर हो गए देन आप देखो इनके बीच में क्या सच में आठ नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ही इनके बीच में अगर इनके बीच में सेवन नंबर्स हैं तो आपका आंसर यहाँ एट गलत आ रहा है इसका मतलब ठीक है तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है बेटा कि आप जो भी माइनस करते हो उस माइनस करने के बाद आपको एक बार और माइनस करना है ठीक है तो आपका सही आंसर आएगा सेवन अभी यहाँ तो मैंने छोटे नंबर थे इसलिए इसको लिख दिया यहाँ नंबर लाइन की तरह बना के लिख दिया बट अगर सोचो आपको कोई बोलता है कि वन एंड थ्री के बीच में कितने नंबर होते हैं तो आप हंड्रेड से सिक्स थ्री के नंबर नहीं बनाते तो आपको क्या करना होता है वहाँ आप वहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि दोनों को माइनस करेंगे थ्री एटी सिक्स में से वन हंड्रेड एट माइनस करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसमें से एक और बार माइनस वन करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इससे आपका सही आंसर आएगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू नंबर्स देन ये था आपका चैप्टर टू का एंड चैप्टर थ्री सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपका सेम और से क्लास का बेस भी बनाता है बट इस चैप्टर में बच्चों को इंटरेस्ट डालने के लिए नाम लिखा है प्लेइंग विद नंबर्स कि नंबर्स के साथ खेलने का एक मज़ेदार चैप्टर है तो सबसे पहले आपको जिस चैप्टर में पढ़ने पड़ता है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फैक्टर्स जैसे बात करें फैक्टर्स की तो फैक्टर्स को कह सकते हैं कि कोई भी एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है उसे फैक्टर कहते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी है ट्वेंटी किस किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है या थोड़ा सा आप नॉर्मली जो समझ सकते हैं जिस लैंग्वेज में उसको बोलें कि ट्वेंटी फ़ोर किस किस की टेबल में आता है तो सबसे पहले वन से शुरू करते हैं क्योंकि वन की टेबल में सारे नंबर आते हैं देन टू के ट्वेल्व में ट्वेंटी फोर आता है थ्री के में भी आता है फोर के में भी आता है सिक्स के में भी आता है एट में ट्वेल्व में और ट्वेंटी फोर में अगर आपको कभी किसी नंबर के फैक्टर निकालने हो तो आप उस नंबर को स्टार्ट करो वन से आपको एक नंबर उसके साथ फ्री में मिलेगा ट्वेंटी फोर वन के साथ ट्वेंटी फोर फ्री है क्योंकि इसका फैक्टर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम ट्वेंटी फोर को वन को मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आंसर आएगा फिर आप देखो कि टू टू से डिवाइड किया क्योंकि लास्ट में फोर आ रहा है तो टू से डिवाइड हो सकता है तो so, टू के साथ में एक पेयर और बनेगा जो बनेगा आपका ट्वेल्व इसलिए आप क्या करोगे ट्वेंटी फोर को टू से डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा ट्वेल्व ये ट्वेल्व मुझे एक फ्री में मिल गया एक के साथ दूसरा देखो फ्री हो रहा है टू के साथ आपको ट्वेल्व का भी पता चल गया फिर बात करते हैं थ्री की तो आप ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड करो ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड किया तो आंसर आया एट ये जो एट है वो भी आपको फ्री में मिल गया देखो तो थ्री के साथ एट मिल गया आपको देन देन आपको एक नंबर और डिवाइड करना है ट्वेंटी फोर को फोर से ट्वेंटी फोर को फोर से किया तो सिक्स टाइम जाता है तो फोर के साथ सिक्स फ्री हो गया मतलब ये नंबर आ गए अगर आप इस सिक्वेंस में आपके फैक्टर लिखते हो तो आप सारे फैक्टर लिख पाओगे एक भी आपका बीच में फैक्टर छूटेगा नहीं कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी फोर तो आपका बीच में ध्यान नहीं रहता कभी एट छूट जाएगा कभी ट्वेल्थ छूट जाएगा तो टीचर आपके नंबर काट सकते हैं तो इससे बचने के लिए आप उनके सारे फैक्टर इस टेक्निक से लिख सकते हो देन इसमें काम की बात ये है वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर हर नंबर का फैक्टर वन हमेशा होता है ये जो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ ब्लैक में बता रहा हूँ ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स में या एम सी क्यू के या ट्री फॉल्स के क्वेश्चन में दे सकते हैं एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ और जो हर नंबर होता है ट्वेंटी फोर ये भी अपने आप में एक फैक्टर होता है ख़ुद का नंबर खुद से डिवाइड होता है इसलिए इसको फैक्टर कहते हैं देन बात करते हैं मल्टीपल की तो मल्टीपल का सिंपल सा मतलब आप उसकी टेबल लिखो बस ठीक है उसकी टेबल लिखो आपको क्वेश्चन बोला है राइट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तक टेबल लिख दो है ना मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से जैसे सेवन का फर्स्ट मल्टीपल होगा सेवन सेवन का फोर्थ मल्टीपल होगा ट्वेंटी एट तो आपको ये जो फोर्स से मल्टीप्लाई किया सेवन को ये इसका मल्टीपल है सेवन फोरजार ट्वेंटी एट एक और यहाँ छोटी सी बात है एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ और हर कोई जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है और एक और चीज़ यहाँ मैंने मिस कर दी लिखनी वो ये है कि हर जो नंबर है उसका पहला मल्टीपल वो ख़ुद होता है जैसे टेन का पहला मल्टीपल टेन होगा फ़िफ्टीन का पहला मल्टीपल फिफ्टीन होगा अभी एक बात आती है परफेक्ट नंबर की परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ सिक्स एग्जाम्पल लिखा और एक टेन के एग्ज़ाम्पल लिखा है तो सिक्स का मैंने यहाँ निकाले फैक्टर सिक्स के फैक्टर निकाले वन ब टू बी है थ्री बी है सिक्स भी, भी है और मैंने यहाँ टेन के फैक्टर निकाले वन बी ए टू भी है फाइव बी है टेन भी है परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं जब उसके जितने फैक्टर हैं सारे फैक्टर को ऐड कर लें वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स आंसर है ट्वेल्व और अगर वो उस नंबर का डबल हो जाता है अगर इस नंबर का ये डबल है तो इट इज़ ए परफेक्ट नंबर तो यहाँ सिक्स का डबल ट्वेल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये इसका परफेक्ट नंबर है टेन इज सिक्स द परफेक्ट नंबर लेकिन बात करें टेन की तो देखो टेन के मैंने सारे फैक्टर अगर ऐड किए तो वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस टेन का सम एटी ही हो रहा है ये टेन का डबल नहीं है तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर मैंने छोटी सी देफ, डेफिनेशन भी लिखी है ऑफ़ ऑल फैक्टर्स इज़ ट्वाइस ऑफ दैट नंबर देन इट इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर ठीक है उसके सारे फैक्टर का अगर सम कर लें और उसका सम अगर ट्वाइस आता है डबल आता है उस नंबर से तो इट इज़ ए परफेक्ट नंबर फिर एक और चीज़ आपको सीखनी होती है प्राइम नंबर्स इफ एनी नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं एक तो वन और एक वो तो खुद इट्स तो वो प्राइम नंबर होता है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है थर्टीन थर्टीन का फैक्टर वन भी है थर्टीन का फैक्टर थर्टीन भी है इसका मतलब वो खुद हो गया थर्टीन और एक वन हो गया तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर और वो दो कौन से वन यानी वन एंड इट्स यानी वो खुद तो अब कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ आपको कि टोटल वन से लेके हंड्रेड के बीच में ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा वन से लेके हंड्रेड के बीच में ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स होते हैं एक बार सारे मैं बोल के बता दूं टू बी है थ्री भी है फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन फोर्टी वन फोर्टी थ्री 73, सेवन फिफ्टी थ्री फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन वन सेवेंटी थ्री नाइन एटी थ्री एटी नाइन एंड नाइन्टी सेवन ये सारे पच्चीस नंबर जो हैं वो वन से लेकर हंड्रेड तक के सारे प्राइम प्राइम नंबर्स हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ कि टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर अकेला इवन नंबर यही देखो इन सब में एक नंबर अकेला ऐसा है जो इवन है बाकी सारे के सारे ऑड नंबर हैं ऑड नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में वन थ्री फाइव सेवन और नाइन आता है इवन नंबर वो होता है जिसके लास्ट में टू फोर ज़ीरो सॉरी टू फोर सिक्स एट एंड ज़ीरो आता है ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था देन एक और नई टर्म आई है कंपोजिट नंबर क्या होता है इफ़ एनी नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं जैसे फैक्टर ऑफ फिफ्टीन फिफ्टीन का फैक्टर जैसे वन बी है थ्री बी है फाइव बी और फिफ्टीन बी है इसके कितने फैक्टर हो गए चार फैक्टर हो गए तो जिसके चार फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है ओके यानी कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों फिर बात करते हैं थ्री की तो थ्री इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखो जब कंपोजिट नंबर की बात करें तो मैंने टू से स्टार्ट किया सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया फोर फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर जो होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है तो प्राइम नंबर की बात करें तो टू बी है थ्री बी है लेकिन वन जो होता है ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है इसलिए मैंने वन को यहाँ से छोड़ रखा है वन कंपोजिट भी नहीं है वन प्राइम भी नहीं है तो टू जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया और थ्री जो है वो भी प्राइम नंबर तो अगला नंबर क्या बचा है फोर जिसके कितने फैक्टर होते हैं जैसे फोर के फैक्टर की बात करें तो फोर का फैक्टर फोर भी है टू भी है और वन भी है जिसके तीन फैक्टर हो गए वो क्या होगा कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है तो फिर पूछे कि वन क्या है तो वन होता है बेटा यूनिक नंबर वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है तो क्या है यूनिक नंबर है अब एक और स्पेशल चीज़ रहती है डिविजिबिलिटी रूल्स की तो डिविजिबिलिटी रूल देखें क्या है कोई भी नंबर टू से थ्री से फोर से फाइव से इनसे डिवाइड हो सकता है कि नहीं ये हम पता कर सकते हैं उस नंबर को देख के तो ये वही चीज़ है डिविजिबिलिटी रूल फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नंबर टू से डिवाइड हो सकता है कि नहीं इसलिए आपको याद रखना है लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो टू फोर सिक्स एट यानी जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर आते हैं वो टू से डिवाइड होता है जैसे एग्ज़ाम्पल बनाया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के लास्ट में फोर आ रहा है तो ये टू से डिवाइड होगा फिर देखो थ्री थ्री का रूल क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय थ्री यानी कि अगर आपका कोई नंबर है थर्टी नाइन उसके आपके डिजिट्स को ऐड करना है थ्री एंड नाइन तो आंसर है ट्वेल्व आपको चेक करना है क्या थ्री की डब्ल्यू ट्वेल्व आता है अगर आता है हाँ तो ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा फिर देखो फोर का रूल क्या होता है लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय फोर यानी कि आपको सिर्फ जैसे वन हंड्रेड ट्वेंटी एट नंबर है तो आपको लास्ट के दो नंबर चेक करने हैं कि फोर से डिवाइड होते हैं कि नहीं फोर से डिवाइड हो रहा है ट्वेंटी एट इसका मतलब वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर से भी डिवाइड होगा इसमें एक छोटा सा रूल और जोड़ा है टू जीरो जिसके लास्ट में दो जीरो आ जाए जैसे हंड्रेड जैसे टू हंड्रेड जैसे फाइव हंड्रेड ये सारे नंबर फोर से भी डिवाइड होंगे फिर बात करते हैं फाइव की तो फाइव का बहुत सिंपल सा रूल है लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो और फाइव क्या तो जीरो होना चाहिए या फाइव होना चाहिए तो वो फाइव से डिवाइड हो जाएगा जैसे वन हंड्रेड एट्टी क्लास में जीरो आ रहा है तो ये फाइव से डिवाइड होगा वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव क्लास में फाइव आ रहा है तो ये भी फाइव से डिवाइड होगा फिर बात करते हैं रूल सिक्स की रूल ऑफ टू एंड थ्री बोथ फॉलो जो टू एंड थ्री दोनों से डिवाइड होता है जो टू एंड थ्री दोनों से डिवाइड होता है वो सिक्स से पक्का डिवाइड होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे एटीन तो एटीन को पहले टू से चेक करते हैं लास्ट में एट आ रहा है इसका मतलब टू से डिवाइड होगा और इनका सम देखें वन प्लस एट नाइन थ्री की टेबल में नाइन आता है इसका मतलब थ्री से भी डिवाइड होगा तो जो टू एंड थ्री दोनों से डिवाइड हो जाए वो सिक्स से भी डिवाइड होगा फिर बात करते हैं एट की अब आप सोचो कि सेवन कहाँ गया सेवन बेटा थोड़ा हार्ड है वो आगे बताऊंगा एट एट का क्या रूल होता है लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी डिविजल बाय एट लास्ट के तीन डिजिट जो होते हैं वो एट से डिवाइड होने चाहिए तो एट हंड्रेड सिक्सटी फोर ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर रह आता है क्योंकि बड़ा डिजिट जिसमें लास्ट के तीन डिजिट चेक करें इससे अच्छा थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लें तो एट सिक्स फोर जो है उसको डिवाइड करके चेक करेंगे एट सिक्स फोर को एट से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है एक और ऑप्शन होता है एट का जिसके लास्ट के तीन नंबर जीरो आते हैं लास्ट के तीन नंबर जीरो जैसे वन थाउजेंड में टू थाउजेंड में फाइव थाउजेंड में इन सब में आ रहा है इसका मतलब जिसमें लास्ट के तीन जीरो आए वो एट से डिवाइड होता है फिर तो बात करते हैं नाइन की नाइन का रूल एकदम सेम थ्री के जैसा है देखो थ्री का जो रूल था बस थ्री के रूल में क्या करना होता है मैं यहाँ डिविजिबल बाय थ्री होता है जैसे थ्री प्लस नाइन ट्वेल्थ था तो थ्री के टेबल में ट्वेल्ल आ रहा तो ये थ्री से डिवाइड होता है लेकिन थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व है लेकिन नाइन की टेबल में नहीं आ रहा तो नाइन से नहीं हो गया ट्वेल्व थर्टी नाइन सॉरी तो डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय नाइन जैसे नाइन्टी नाइन है तो नाइन्टी नाइन के डिजिट का सम करो नाइन प्लस नाइन कितना हो गया एटीन नाइन की टेबल में एटीन आ रहा है इसका मतलब ये नाइन से डिवाइड होगा फिर टेन के रूल की बात करें सबसे आसान है लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो जो लास्ट डिजिट अगर जिसमें जीरो आ जाए वो टेन से डिवाइड हो जाता है फिर मैंने जो बोला था कि सेवन का रूल बाद में बताऊंगा तो देखो सेवन क्या होता है डिफरेंस ऑफ थोड़ा सा समझना बेटा है थोड़ा हार्ड होता है डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट एंड द रिमेनिंग डिजिट्स मस्ट बी डिजल बाय सेवन इसका मतलब ये है जैसे एक एक्जाम्पल बनाता हूँ थ्री हंड्रेड फोटी थ्री एक नंबर है इसका जो वंस प्लेस का नंबर है वो कितना है थ्री तो मैं सबसे पहले इस नंबर का डबल करूँगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू के आंसर आ गया सिक्स और जो नंबर रिमेनिंग है मैंने बोला था ना रिमेनिंग नंबर जो नंबर रिमेनिंग है थर्टी फोर में से जो अभी आंसर है 6, उसको माइनस कर देंगे अगर जो आंसर आता है सेवन के टेबल में आता है तो ये नंबर सेवन से डिवाइड होता है ओके एक और रूल बसता रूल ऑफ इलेवन अल्टरनेट यहाँ लिखा है अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक एक छोड़ के एक ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री है थ्री छोड़ के एक तो अगला वन हो गया तो नाइन के बाद एक छोड़ के अगला छ हो गया तो अल्टरनेट डिजिट्स का आपको क्या करना है सम करना है और उनका डिफरेंस करना है देखो ये लिखा है ना डिफरेंस ऑफ सम ऑफ़ यानी कि सबसे पहले आपको सम करना है थ्री का वन का और सिक्स का नाइन का तो मैंने सेपरेट कर दिया देखो ये ब्लू वाला जो है वो सिक्स नाइन ले लिया मैंने सिक्स प्लस नाइन इन दोनों का सम क्या होता है फिफ्टीन और जो ब्लैक वाला जो मैंने किया था थ्री प्लस वन ले लिया फोर इनका सम हो गया फोर इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे फिफ्टीन माइनस फोर इलेवन आंसर आया अगर ये इलेवन से डिवाइड होता है इलेवन तो इसका मतलब वो डिविजिबल है इलेवन से भी ये थे डिविजिबिलिटी रूल देन बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की तो कॉमन फैक्टर होते हैं फैक्टर ऑफ एटीन इन फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए हैं फैक्टर ऑफ एटीन हो गए जैसे वन थ्री फाइव सिक्स सॉरी वन थ्री फाइव वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन फैक्टर का मतलब क्या होता है अभी मैंने समझाया था ऊपर तो एटीन के फैक्टर फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर का मतलब ट्वेंटी फोर के फैक्टर बट यहाँ नाम आ रहा है कॉमन कॉमन क्या होता है बेटा जो दोनों में आ रहा है तो यहाँ देखो वन दोनों में आ रहा है टू दोनों में आ रहा है थ्री दोनों में आ रहा है एन सिक्स दोनों में आ रहा है तो जो दोनों में आए वो उसके कॉमन होते हैं तो जैसे कॉमन आर वन टू थ्री एन सिक्स फिर बात करते हैं मल्टीपल्स की कॉमन मल्टीपल देन मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड मल्टीपल ऑफ एट का एग्जाम्पल लिया मैंने तो एट सिक्स के मल्टीपल क्या होंगे जो सिक्स की टेबल आ रही है वो ठीक है मैंने फोटी एट तक इसको करके रखा एग्जाम्पल के फॉर्म में फिर मुझे लिखा है एट का मल्टीपल तो मैंने एट के मल्टीपल निकाले वो भी फोर्टी एट तक क्योंकि मुझे एग्जाम्पल में दिखाने थे देन आपको बोला कि कॉमन कौन कौन से हैं तो देखो इसमें कॉमन एक तो ट्वेंटी फोर आ रहा है एक कॉमन फोर्टी एट रहा है तो ये दोनों इसके क्या हो गए कॉमन मल्टीपल्स इसी से आपको सीखना है एच सी एफ एंड एल सी एम थोड़ा आगे बताऊंगा फिर एक नया नंबर आया है आपके लिए नया नाम है को प्राइम वट इज को प्राइम तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक फैक्टर होता है ओ एन ई वन वाला एक फैक्टर होता है एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम तो जैसे एक नंबर है फोर एंड फिफ्टीन इन दोनों के अगर मैं फैक्टर निकालू तो फोर का फैक्टर है वन टू एंड फोर फिफ्टीन का फैक्टर है वन एंड फिफ्टीन तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ओनली वन आ रहा है ना तो जिसका ओनली वन फैक्टर आए कॉमन उसे कहते हैं को प्राइम फिर एक और नई चीज़ है जो छोटी और आसान है बट बच्चे गलती कर देते हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको प्राइम नंबर सिखाए थे अभी उन प्राइम नंबर्स की मदद से किसी नंबर का फैक्टर निकालें अगर हम जैसे ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर किन किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ सकता है तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं तो इसकी टेक्निक क्या होती है आपको स्कूल में सिखाई होगी कि जो तो ट्वेंटी फोर है इसके है, तो प्राइम फैक्टर निकाल लें तो ट्वेंटी फोर को डिवाइड करना शुरू करो सबसे छोटे प्राइम नंबर से जो कि होता है टू टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व फिर टू से डिवाइड हो सकता है टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स फिर टू से डिवाइड हो सकता है फिर टू से डिवाइड करेंगे आंसर तो आएगा थ्री फिर थ्री से करेंगे आंसर आएगा वन जब भी लास्ट में वन आ जाए तो आप यहाँ रुक जाना और ये जो नंबर टू 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 थ्री आए इनको आप मल्टीप्लाई करवा देना तो आंसर आपका ट्वेंटी फोर आ जाएगा यानी कि आपने ट्वेंटी फोर के वो फैक्टर निकाल लिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है ट्वेंटी फोर आता है और ये सारे के सारे नंबर प्राइम है देखो प्राइम नंबर्स हैं ये फिर बात करते हैं फैक्टर ट्री की बहुत आसान है मैंने ट्वेंटी फोर नंबर सेलेक्ट किया क्योंकि इसके तीन फैक्टर ट्री बन रहे थे आसानी से ट्वेंटी फोर की फैक्टर ट्री बनाने के लिए आपके पास या किसी भी नंबर के फैक्टर ट्री बनाने के पास आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं जैसे आपको सबसे पहले वो नंबर सोचना है कि आपके दिमाग में जो आ जाए सबसे पहले किस 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 नंबर को मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फोर आ जाता है तो जैसे मैंने मेरे दिमाग में टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व आया जैसे आपके दिमाग में आ सकता है एट मल्टीप्लाई बाई थ्री आपके दोस्त के दिमाग में आ सकता है सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर यानी कि तीन फैक्ट्री हो गई ये भी सही है इधर वाला और ये जो बीच में बना है ये भी सही है और लेफ्ट में बना है वो भी सही है तो टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व लेकिन ट्वेल्व एक प्राइम नंबर नहीं है बेटा ठीक है तो प्राइम नंबर निकालने के लिए आपको इसका फिर फैक्टर करना पड़ेगा तो बनेगा टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया तो टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स में सिक्स प्राइम नंबर नहीं है तो सिक्स को फिर छोटा टू करना पड़ेगा तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो लास्ट में रेड वाले जो नंबर बच रहे हैं वो सारे क्या हैं प्राइम नंबर है तो इसका ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो ये देखो ऊपर ये आंसर आया था ट्वेंटी फोर टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री किसी बच्चे ने ऐसे किया उसका सही है लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपने अगर ऐसे कर दिया एट मल्टीप्लाई बाय थ्री आपके दिमाग में सबसे पहले एट थ्री जो ट्वेंटी फोर होता है तो एट थ्री जो ट्वेंटी फोर में थ्री तो प्राइम नंबर आ गया लेकिन एट प्राइम नंबर नहीं है इसको फिर से छोटे टुकड़े करेंगे इसके तो एट के टुकड़े होते टू फोर जट तो इसका मतलब टू जो है वो तो प्राइम नंबर इस तरफ आ गया लेकिन फोर इस तरफ प्राइम नंबर नहीं है फिर इसके दो छोटे टुकड़े करेंगे मतलब किन दो की टेबल में फोर आता है तो टू टू ज़ार फोर आता है तो यहाँ भी देखो टू टू टू, टू एंड थ्री तो आप लिख सकते हो ट्वेंटी फोर इज़ इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री अगेन ये सही है फिर देखो ट्वेंटी फोर किसी और आपके दोस्त के दिमाग में ऐसे आ जाता है सिक्स मल्टीप्लाई फोर क्योंकि सिक्स फोर जो अभी ट्वेंटी फोर होता है लेकिन सिक्स और फोर दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो आप इन दोनों के प्राइम नंबर निकालोगे सिक्स के प्राइम नंबर हो गए टू एंड थ्री

ये कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल से निकाल सकते हैं तो मैंने यहां पहले समझाया कि एच कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दो डिजिट दिए हैं या तीन डिजिट दिए हैं उनको आप निकालोगे सबसे पहले उनके फैक्टर्स सारे फैक्टर तो फैक्टर की टेक्निक मैंने बताई थी कि उस टेक्निक से निकालोगे तो सारे फैक्टर आपके आ जाएंगे अब इनमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है वन है टू है थ्री एंड सिक्स है क्योंकि हाइएस्ट है एच में तो इसमें हाइएस्ट कौन सा है मुझे इसमें हाइएस्ट नजर आया सिक्स जो आपके कॉमन आए थे उसमें हाइएस्ट की बात कर रहे हैं तो सिक्स इज़ द एच सी एफ ये बहुत सिंपल तरीका है ये बच्चे भूलते नहीं अगर इस तरीके से करें तो देन बात करते हैं एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो एलसीएम में सेम वही टेक्निक लगा लेंगे मल्टीपल निकालेंगे पहले सिक्स का और एट का सिक्स का मल्टीपल निकाला मैंने फोटी एट तक एट का मल्टीपल निकाला मैंने फोर्टी एट तक थोड़ी देर पहले जो किया था वही क्वेश्चन है ये लेकिन इसमें नाम आता है लोवेस्ट तो ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी एट दोनों कॉमन थे इन दोनों में लोवेस्ट क्या है ट्वेंटी फोर जिसका एल सी हो जाएगा ट्वेंटी फोर इसके साथ साथ एक बात बता दूँ आगे भी बताऊँगा कि जो एल्सीयम होता है एल्सीयम का आंसर हमेशा उन डिजिट से बड़ा आता देखो। 6 and है देखो सिक्स एंड फोर्टी का एल्सीयम ट्वेंटी फोर आए और जो एच होता है एच का हाईएस्ट होता है तो उन दोनों डिजिट का आंसर हमेशा उससे छोटा आता है मतलब कि एटीन ट्वेंटी फोर से छोटा आएगा एच सी एफ़ देन यहाँ एक और चीज़ ख़त्म होती है और एच सी एफ की एक टेक्निक और सिखाते हैं जो सबसे फेमस है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्ट्राइजेशन अभी सीखा था हमने प्राइम फैक्ट्राइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ओके देन जैसे एटीन और ट्वेंटी फोर इन दोनों को मैं क्या निकाल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ तो एटीन का फैक्टराइजेशन और ट्वेंटी फोर का फैक्टराइजेशन ऐसा बना एटीन का बना टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री और ट्वेंटी फोर का बना टू मल्टीप्लाई व टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री देन एटीन और ट्वेल्व जो है दोनों के आपने फैक्टर निकाल लिए हैं और उन फैक्टर में जो कॉमन है जैसे टू कॉमन है एंड थ्री कॉमन है जो दोनों में आ रहा है ठीक है तो ये जो टू एंड थ्री है जो कॉमन आए थे उनका एक पेयर बना के साथ में लिख देंगे टू एंड थ्री और उसका जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वही आपका एच होता है फिर बात करते हैं एल की तो एल का जैसे मैंने अभी बताया था आंसर बड़ा होता है तो आपको दोनों को साथ में लेना मतलब ये जो टेक्निक है ये बड़ी है देखो इनकी टेक्निक छोटी छोटी थी एच में छोटे छोटे नंबर बन रहे थे आपके छोटे ग्रुप बन रहे थे एल में आप साथ में एक बड़े ग्रुप को बना सकते हो ठीक है तो बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि एल कौन से वाला होता है एच कौन से वाला तो भूल जाते हैं तो एल के लिए आपको याद रखना है कि इसमें बड़े नंबर मतलब कि साथ में आ रहे हैं और एच मतलब छोटा इसमें छोटा आंसर आता है तो ये दोनों तो अलग अलग निकल रहे हैं फिर देखो सिक्स एंड एट दोनों को मैं साथ लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ यहाँ दोनों को साथ लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है पहले टू का आया टू से क्या तो थ्री टाइम्स एट को क्या तो टू से फोर टाइम्स ठीक है यानी दोनों साथ में टू से डिवाइड हो रहे हैं फिर टू से डिवाइड हो रहा है थ्री नहीं हो रहा थ्री को ऐसे कैसे रख दिया मैंने नीचे लेकिन फोर हो रहा है तो टू से डिवाइड किया तो टू नीचे आ गया फिर अगेन देखो टू से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले टू खत्म होगा फिर मैं थ्री पे आऊँगा तो टू की डर में टू आया वन टाइम थ्री भी नहीं आ रहा तो थ्री का थ्री लिख दिया फिर थ्री से कर रहा हूँ थ्री आया वन टाइम और 1 भी वन भी आया वन टाइम तो ये जो इधर वाले नंबर है मेरे इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ मैं टू मल्टीप्लाई वाई टू मल्टीप्लाई हुआ टू मल्टीप्लाई व थ्री ये वाला नंबर तो मेरा एच सी एफ आ जाए सॉरी एल्सीम आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिर जो मैंने बात वहाँ लिखी थी एल्सीयम हमेशा ग्रेटर आता है नंबर से एल्सीम देखो हमेशा नंबर से ग्रेटर आता है और जो एच सी एफ होता है हमारे हमेशा नंबर से छोटा आता है जैसे सिक्स आया तो हमने एलसीियम निकाला था एच स एफ निकाला था ट्वेंटी फोर एटीन एंड ट्वेंटी फोर का तो इसका एच सी एफ आया सिक्स जो कि नंबर से छोटा है देन एक और मेथड बचे डिवीज़न मेथड एच सी का एक मेथड और होता है डिवीज़न मेथड जैसे एट एंड सिक्स आपको दोनों का एच निकालना है तो आप क्या करोगे एट को जो बड़ा नंबर है उसको अंदर और जो सिक्स जो छोटा नंबर है बाहर उसको लिखेंगे डिवाइड करेंगे सिक्स वन जर सिक्स रिमाइंडर आया टू लेकिन यहाँ एक टेक्निक होती है कि आपने जब रिमाइंडर आ जाए तो उसके बाद लास्ट टाइम जिस नंबर से डिवाइड किया था 6 से वो हमारा डिवाइड के अंदर चला जाता है और एक नया डिवाइड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अब देखो टुकटल में सिक्स कितनी बार आएगा थ्री टाइम्स टू थ्री जै सिक्स माइनस किया रिमाइंडर जीरो आया जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया था टू वही हमारा एच सी एफ होता है तो लास्ट डिवाइजर दर विच कंप्लीटली डिवाइड्स सो एच इज इक्वल टू टू तो लास्ट नंबर जो हमें कम्प्लीटली डिवाइड करके देता है वही हमारा एच सी एफ होता है फिर देखो एक फार्मूला और है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे एच सी एफ़ एंड एल सी एम जो होता है किसी नंबर का जैसे ए और बी कोई नंबर है ए कोई एक अलग नंबर है बी कोई एक अलग नंबर है उनका अगर मैं एच सी एफ और एल सी एम निकाल लूँ तो मेरा जो एच सी एफ एल सम होगा दो नंबर का उनको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और वो जो दो नंबर है उनको भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा इसका मतलब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है सिक्स एंड एट सिक्स का और एट का मैंने एच सी एफ़ भी निकाला है एल सीम भी निकाला है ए मेरा सिक्स है और बी मेरा एट है तो देखो एच सी एफ ओफ सिक्स एंड एट आया ट्वेंटी फोर और एल सीम ऑफ सिक्स एंड एट आया मीन सॉरी उल्टा लिख दिया ये यहाँ आएगा एच सी एफ़ आएगा टू और एल सीम आएगा ट्वेंटी फ़ोर तो एल सीम ऑफ सिक्स एंड एट ट्वेंटी फोर आया एच सी एफ़ टू आया तो मैं क्या करूँगा यहाँ उन दोनों नंबर्स का जिनका मैंने एच सी एफ निकाला है ए एंड बी उनका मल्टीप्लाई होगा किसके इक्वल जो आंसर में एच सी एफ सॉरी एल सी एम एन एच सी एफ आया था उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा यानी कि फोर्टी एट अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की जो कि क्वेश्चन में हार्ड लगते हैं बच्चों को कि कब एच सी एफ निकालना है कब एल सी एम निकालना है उन्हें पता नहीं होता तो इसके लिए भी देखो एक टेक्निक है कि कब आपको एच सी फाइंड करना है कैसे पता चलेगा इफ़ यू सी दीज वर्ड्स अगर आपको हाइएस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम और बिगेस्ट नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे तो आप हमेशा उसका एल निकालना ठीक है और एलसीम कब निकालें क्वेश्चन में इसको पता करने के लिए क्या होता है इफ़ यू सी वर्ड्स लाइक अगर आपको ऐसे वर्ड मिले लोवेस्ट लीस्ट मिनिमम एंड स्मॉलेस्ट अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं क्वेश्चन में तो आप उसका हमेशा एलसीयम निकालोगे बट कभी कभी एलसीयम का एक क्वेश्चन स्पेशल होता है इफ़ डूइंग समथिंग टुगेदर अगेन अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं उसको दोबारा साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं एल सी एम दैट्स फॉर योर रिविज़न Thank you, Vita.